नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक बार फिर 3 रुपए तक महंगा हुआ अमूल का दूध। बिहार सीजीएल परीक्षा की नई डेट हुई घोषित। बिहार की बेटी आयशा को मिला बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू अवार्ड। इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली को दी अहम सलाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एक्टर पवन सिंह को देखने के लिए बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बीते दिन यूपी के सिद्धार्थनगर महोत्सव में अपने एक कार्यक्रम की प्रस्तुति को लेकर पहुंचे थे, जहां उन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई और यह भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल पवन सिंह जैसे ही मंच पर अपने गाना की प्रस्तुति करने पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए बाहर खड़े लोग अंदर जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उग्र हो गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया। बता दें कि इस हंगामे में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। वहीं सबके बीच ही किसी ने पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बना लिया और अब वह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। बिहार की बेटी आयशा को मिला बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू अवार्ड। बिहार की बेटी एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया इंटरनेशनल आयशा एसएमएन को बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू का अवार्ड मिला है। बता दें कि अवार्ड आयशा को मुंबई के नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में मुंबई पुलिस में कार्यरत आईपीएस ऑफिसर विश्वास नागरे पाटिल के कर कमलों के द्वारा मधुर भंडारकर की फिल्म इंडिया लॉकडाउन में उत्कृष्ट अभिनय के लिए दिया गया है। मालूम हो कि आयशा की यह पहली फिल्म है जिसके निर्देशक मधुर भंडारकर है। यह फिल्म G5 पर 2 दिसंबर को रिलीज की जा चुकी है। आयशा इस फिल्म में एक कॉल गर्ल का किरदार निभाती नजर आई है। इससे पहले कई सारे ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। इसके साथ ही उन्हें इंडियन अचीवर्स अवार्ड और वुमेन अचीवर्स अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। एक बार फिर 3 रुपए तक महंगा हुआ अमूल का दूध। एक बार फिर से दूध के दाम बढ़ गए हैं। अमूल का दूध आज से 3 रुपए लीटर महंगा हो गया है। अब अमूल का ताजा दूध आपको आधा लीटर वाला 27 रुपए में और 1 लीटर वाला अमूल का दूध 54 रुपए में मिलेगा। वहीं 2 लीटर वाला ताजा दूध की कीमत 108 रुपए हो गई है। यदि 6 लीटर वाले अमूल के दूध की कीमत की बात करें तो इसका पैकेट अब 324 रुपए का मिलेगा। साथ ही साथ 180 ml वाले अमूल के दूध की कीमत 10 रुपए हो गई है। 500 रुपए वाले अमूल गोल्ड की कीमत अब बढ़कर 33 रुपए हो गई है। 1 लीटर वाले अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए और 6 लीटर वाले दूध की कीमत 396 रुपए तक हो गई है। वही 500 मिलीलीटर दूध वाले अमूल के A2 भैंस के दूध की कीमत 35 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। यदि 1 लीटर वाले अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत देखें तो उसकी कीमत 70 रुपए तक हो चुकी है और 6 लीटर वाले अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत 420 रुपए तक हो गई है। आज से बिहार को मिली नई पहचान। आज से बिहार को भी नई पहचान मिल गई है। बता दें कि अब बिहार की भी गिनती फ्लोटिंग रेस्टोरेंट वाले राज्यों में की जाएगी। आज बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एमवी गंगा विहार मरम्मत के बाद गंगा में शुरू हो गया है। एमवी गंगा विहार के परिचालन का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा आज यानी कि शुक्रवार को किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, करीब 5 साल बाद एक बार फिर गंगा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से इसकी शुरुआत करवाई गई है। मालूम हो कि इस क्रूज की मरम्मत का जिम्मा सरकार के द्वारा एक एजेंसी संध्या सम्राट कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, जिसने IIT खड़गपुर के सहयोग से इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की मरम्मत का काम पूरा कर दिया और आज से इस रेस्टोरेंट का मजा पटनावासी ले सकते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने आज यहां बिखेरा अपनी आवाज का जादू। आज यानी शुक्रवार को भोजपुरी सुपरस्टार व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मुंडेश्वरी धाम के रंगमंच पर अपनी आवाज के जादू से दर्शकों व श्रद्धालुओं को मनोरंजित किया। बता दें कि उनके आगमन और उनके कार्यक्रम को लेकर गुरुवार की सुबह से ही प्रशासन के द्वारा रंगमंच में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर मैदान के चारों ओर बैरिकेडिंग भी की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनोज तिवारी का यह कार्यक्रम 4 फरवरी को होना था, लेकिन फिर मनोज तिवारी की सुविधा के अनुसार ही इसे 3 फरवरी को कर दिया गया, जिस वजह से रंगमंच की न तो पुताई की गई और न ही उसका सजावट किया गया। बिहार सीजीएल परीक्षा की नई डेट हुई घोषित। बिहार सीजीएल परीक्षा की नई डेट सीट घोषित कर दी गई है। बता दें कि अब यह परीक्षा 5 मार्च 2023 को किया जाएगा। बता दें कि अब यह परीक्षा 5 मार्च 2023 को आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा इसे लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in से परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल 23 दिसंबर 2022 को बिहार सीजीएल परीक्षा के पहले चरण की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिस वजह से इस परीक्षा को सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर इस परीक्षा को लेकर नई तारीख घोषित कर दी गई है।
तो इसलिए फंसा था एक छात्र 500 लड़कियों के बीच। बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम के पहले दिन एक खबर सामने निकल कर आ रही थी कि नालंदा में एक लड़का परीक्षा सेंटर में घबराकर बेहोश हो गया था और इसके घबराने की वजह उसका परीक्षा केंद्र पर अकेले 500 लड़कियों के बीच रहना था। वहीं अब यह बात भी सामने आ गई है कि वो किस वजह से परीक्षा केंद्र में 500 लड़कियों के बीच अकेला लड़का था। दरअसल जो खबर सामने आ रही है वो बीएसईबी की बड़ी लापरवाही को बता रहा है। बता दें कि बीएसईबी के द्वारा 12वीं क्लास के इस छात्र के एडमिट कार्ड पर लिंग के कॉलम में मेल की जगह फीमेल लिख दिया गया था, जिस वजह से उसका एग्जाम सेंटर लड़कियों के बीच पड़ा था। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के दूसरे दिन इतने नकलची हुए निष्कासित। बीते दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट की परीक्षा का दूसरा दिन था, जिसमें पूरे राज्य से कुल 100 नकलची परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया है। बता दें कि कदाचार के आरोप में जिस जिले से सबसे ज्यादा परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है उसमें समस्तीपुर शामिल है, जहां से कुल 24 बच्चों को निष्कासित किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर सारण 14 परीक्षार्थियों के साथ, तीसरे नंबर पर गोपालगंज 13 परीक्षार्थियों के साथ और नालंदा 12 परीक्षार्थियों के साथ चौथे स्थान पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन भौतिकी विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट की परीक्षा के पहले दिन कुल 68 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया था। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ परिवाद पर हुई पहली सुनवाई। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर के द्वारा सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद इस मामले को सीजेएम कोर्ट के द्वारा एसीजीएम एक किरण चतुर्वेदी के यहाँ स्थानांतरण कर दिया गया था, जिसके बाद बेगूसराय न्यायालय में इस दायर परिवाद पर पहली सुनवाई की गई। इस दौरान अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर के द्वारा शिक्षा मंत्री के बयान का ऑडियो वीडियो सहित समाचार पत्र में छपे बयान की प्रस्तुति कोर्ट के सामने की और साथ ही अपने बयान को भी सामने रखा, जिसे कोर्ट के द्वारा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल शिक्षा मंत्री के द्वारा एनओयू के दीक्षांत समारोह में कहा गया था कि रामचरितमानस ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दिन करेंगे वाल्मीकि नगर पटना में सभाएं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई है। वहीं अब केंद्रीय मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी 25 फरवरी को बिहार में दो सभाओं का संबोधित करेंगे, जिसमें से पहला सभा वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में की जाएगी, तो वहीं दूसरा सभा पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती पर बापू सभागार में किसान मजदूर समागम में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरे में शाह कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जोश और जीत का बिगुल फूकेंगे। बता दें कि इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का आगाज वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पारू में 3 जनवरी को कार्यकर्ता सम्मेलन से किया जा चुका है। सुधाकर सिंह के घर से चोरी करने वाला हुआ गिरफ्तार। नीतीश सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह, जो पिछले काफी दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर काफी चर्चा में बने हुए थे, उनके घर चोरी हो गई थी, जिसके बाद अब चोरी करने वाले युवक को और चोरी का सामान खरीदने वाले युवक को पटना की कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। बता दें कि आरोपित की पहचान मूल रूप से सीतामढ़ी के थाना रेगा निवासी प्रिंस मिश्रा के रूप में किया जा रहा है। उसके पिता प्लम्बर का काम करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार ने चोरी किए हुए सामान को मैनपुरा निवासी धीरज कुमार को 4800 में बेच दिया था। माना जा रहा है कि उसने यह चोरी अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया था। फिलहाल आरोपित ने अपनी चोरी की बात को स्वीकार कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश पर हमला। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर बीते दिन गुरुवार को आईएएस के पाठक प्रकरण को लेकर ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही अधिकारी बिहार को चला रहे हैं। जब एडीएम स्तर के अधिकारियों के बारे में बोलते हुए 36 सेकंड में 8 बार गाली बोलते हैं, तब हमारे कार्यकर्ताओं की कितनी इज्जत करते होंगे समझा जा सकता है। खाते हैं बिहार का और गाते हैं चेन्नई का, तमाम बिहार वासियों का अपमान है। दरअसल बिहार के तेज तरार आईएएस अधिकारी के पाठक, जो मौजूदा समय में उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के प्रधान सचिव और बिपार्ट के डीजी हैं, उनका एक वीडियो काफी चर्चाओं में बना हुआ है, जिसमें वो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों और बिहारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इरफान पठान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली को दी अहम सलाह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले पूर्व भारतीय गेंदबाज इरफान पठान ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में विराट कोहली को अहम सलाह देते हुए कहा कि कोहली यह जरूर दिमाग में रखेंगे कि नाथन लायन और एस्टन एगर की स्पिन का कैसे जवाब देना है। उन्होंने हाल ही के दिनों में स्पिन के खिलाफ संघर्ष किया है, मुझे लगता है कि वह थोड़ा और आक्रामक हो सकते हैं क्योंकि स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट भी नीचे आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि हम टेस्ट क्रिकेट की बात
कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपको स्पिन के सामने थोड़ा और आक्रामक होने की जरूरत है। यही आपको इस प्रतिद्वंदिता में बेहतर बना देगा, खासकर जब आप लायन जैसे गेंदबाजों का सामना कर रहे हो। उनका स्पिनर पर शानदार काबू है। उन्होंने कहा कि उनकी गेंद उछाल लेती है और वह गेंद को दाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर ले जाते हैं। तो यह एक चीज है जो कोहली को दिमाग में रखनी चाहिए। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कृष्णा पासवान, रंजीत मिश्रा, अखिलेश यादव, नवीन शर्मा, अनवर करीम खान, सैलजा कुशवाहा, हरिंद्र सिंह, नुन्नू गोलू कुमार, कविता कुमारी, प्रिंस कुमार मैश, बाबूलाल मरांडी, मुटू रंगीला, अजीत कुमार, रविशंकर, असरफी मंडल, महमूद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अमित शाह का बिहार दौरा लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।